हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं निकल पड़ी हूँ मोबाइल लेके हाथ में व्लॉग बनाने के लिए। व्लॉग तो मुझसे होता नहीं है, कुछ दिखाती हूँ और ज़्यादा मतलब हो ही नहीं पाता है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखते रहिए आज क्या वीडियो होने वाला है। आज वीडियो होने वाला है दुर्गा पूजा व्लॉग। मेरा मतलब इतना ही लेट हो गया कि अभी लक्ष्मी पूजा भी चली गई है। तो जो भी हो, ये पूजा मेरे घर के सामने हो रहा है। ये पहली पूजा है मेरे घर के सामने और अभी हम लोग जाएंगे कालीबाड़ी। उधर भी एक पूजा हो रहा है, 100 साल पूरा हुआ है तो इसलिए लाइटिंग वाइटिंग उधर ज़्यादा हुआ है। इस बार एक चीज़ नोटिस किया कि लोग मतलब लास्ट 2-3 साल तक ना अष्टमी नवमी ही घूमने मतलब घूमने के लिए निकलती थी, लेकिन इस बार षष्ठी से लोग निकल पड़े हैं। तो हम लोगों को तो पता नहीं था कि लोग अष्टमी षष्ठी से निकल पड़ेंगे, तो हम लोगों ने अष्टमी के दिन निकल गई घूमने। तो फिर देखा लोग षष्ठी से घूम रहे हैं और हम लोग बेवकूफ़ बन गए। ये क्या बात हुई। ठीक, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कालीबाड़ी। देख लो, ये है कालीबाड़ी का रास्ता। इधर से मतलब लाइटिंग फाइटिंग, ये मेरी मम्मी क्या है, पान खा के थूक रही है। मतलब जहाँ भी देखो पान खा के थूक देती है, बहुत ही बैड मैनर्स है। ये है बड़ा सा गेट, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देखने से। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कालीबाड़ी। ये देख लो कितना अच्छा लग रहा है, कितने लोग हैं, कितने लोग घूमने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, वो है अंदर की जो मूर्ति है। इस बार बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही सुंदर। तो ग्रीन कलर का शर्ट पहना है ना, वो मेरे भैया है, छोटे भैया। और देख लो हम लोग ही बस इधर रुके हैं, सब घूमने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ये है मेरी छोटी बहन, आप लोग तो पहचानती होंगे दिया को। तो ये ना हमेशा ही मतलब कैमरे के सामने कुछ अलग ही दिखता है, और इसका मुंह ना हमेशा कैमरे के सामने सुअर के जैसा हो जाता है। ये देखो, तो ये है नौगांव का ITI, मतलब पानीगांव चारियल में जो ITI है ना, उसके सामने ही बनाया है राम मंदिर। बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगा। आप लोग देख सकते हो कि इधर राम मंदिर बनाया है, लेकिन अंदर नहीं जा पाई, इतना भीड़ है ना घुसने का। मतलब अगर इधर घुस जाऊंगी ना तो बाहर निकलने में शायद ही सुबह हो जाएगा, तो इसलिए नहीं गई, बाहर से ही देख लिया। मंडप के अंदर जाना बहुत ही बड़ी बात है। तो इधर हम लोग 5 मिनट रुके। ये देखो पीछे लड़के लोग कैसे मतलब रुके हुए हैं, हम लोगों को देख रहा था। और दिया को तो मतलब दिया कुछ अलग ही है लड़कों के सामने। तो जो भी हो, हम लोग इधर से निकल पड़े हैं। अभी जाऊँगी बेंगुली पूजा बाड़ी। तो अभी मतलब पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से टमटम लो या फिर टेम्पो लो, बात एक ही है। मतलब पैदल जाने से शायद आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर टमटम या फिर टेम्पो लिया ना तो 2-3 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। इधर फुचका और बहुत सारा मतलब स्टॉल लगा है, लेकिन खाया कुछ भी नहीं। इधर से ऐसे ही चले गए हम लोग। अभी उधर जाके दिखाती हूँ कि उधर भी अंदर घुस नहीं पाई। तो जो भी हो, देखते रहो आप लोग क्या क्या होता है। तो इस बार ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये सब रेड रेड कलर का जो मतलब सिंह है, ये सब चल रहा है। तो देख लो, मैंने थोड़ा सा वीडियो कर लिया चुप चुप के। अरे जाओ रे बाबा, मेरा ब्लॉग हिंदी में चलता है ना? ओके, गाइस बता देना कमेंट में कैसी लग रही है। कमेंट में। अभी हम लोग जा रहे हैं बेंगुली पूजा बड़ी, बहुत ही अच्छा है उधर। प्लीज बता देना। हाँ बता देना। हाँ, भूतनी लग रही है फिर टाइम में। मैं भूतनी लग रही पता है कल दी तंग जी। चलो तो वैसे अभी देख लो, हम लोग पूजा में घूमने के लिए आए हैं, लेकिन इधर पान खा रहे। गाइस मुझे भूत, इसने भूत बोला। गाइस इसने मुझे भूत बोला। भूत बोला मुझे। मैं भूत हूँ। सुंदर सुंदर बन के हो गई भूत। आटा मोजा हो गया, समझे कि नहीं, समझाओ। यह है बेंगुली पूजा बड़ी
आप लोग अच्छे से दिखा नहीं पाई, मतलब इस भीड़ में घुस तो गई अच्छे से, लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया मेरे, मतलब मेरे लिए, और मेरे साथ मेरे मतलब दीदा और मेरी माँ दिया सब घुस गए थे। अभी निकलना मुश्किल हो गया था, कैसे निकले हम ही जानते हैं, फिर अंदर जाने का तो बात ही नहीं है। देखो कितना सुंदर हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। बंगाली मतलब पूजाबाड़ी में इतना सुंदर डेकोरेशन किया है, बहुत ही अच्छा लगा। बेंगोली पूजाबाड़ी ना इस बार एकदम मतलब वायरल ही हो गया, मतलब नौगांव में वायरल हो गया कि इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ है, बहुत सुंदर बनाया था वो। अंदर तो और भी अच्छा था, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाई, बहुत ही मैं भी देख नहीं पाई, ये मेरा मतलब बहुत बड़ा दुख है कि मैं दिखा भी नहीं पाई और खुद भी देख नहीं पाई। ये देखो हम ना बीच में फंसे हैं सबके अंदर, ये देखो मेरी हालत देखो, मेकअप करके आई थी घर से, लेकिन इधर तो कुछ अलग ही दिख रहा है भूतनी जैसा। तो गाइस अभी मैं जैसे तैसे निकल गई हूँ यहाँ से, और मेरे पैर में छाले भी पड़ गए थे, तो इसीलिए हम लोग सोचा कि अभी घर चले जाएंगे। और ये मेरा घर के सामने पड़ता है पूजा, तो ये देखते देखते चले आए हम लोग घर पे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।